गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। बच्चा, हमारी आज की क्लास है ACCA से रिलेटेड। ACCA की हमारी F9 की क्लास है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास है ये हमारी। अगर मैं एग्जाम में इसके वेटेज की बात करूं, आपके एग्जाम के पोर्शन से हम देखें कि कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और क्या केस स्टडीज रहेंगी, तो आपका एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइड आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, जहां से आपको 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें, तो सेक्शन बी में आपको 2 केस स्टडीज मिलेंगे और 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चे, सेक्शन सी में आपके रहेंगे दोनों प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके 10-10 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे, जो रहेंगे हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस एग्जाम में ACCA की अगर हम बात करें, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर करने का सिर्फ एक ही फंडा है हमारे पास, कि हम अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करके चलें। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो हमें किसी भी लाइन से, किसी भी टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो हमें उस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर टूडे चैप्टर 1 क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ अवर ACCA F9 एग्जाम। बच्चे, हमारा फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस होते क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। तो अगर हम इसके नेम से ही समझें, तो इसका नेम है फाइनेंस मैनेज, मतलब फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस को मैनेज कैसे करना, मनी को मैनेज करके चलना, मनी को इस हिसाब से, इस वे में हमें अपने पैसे को यूज करना, अपनी मनी को यूज करना अपनी कंपनी में, ताकि हमें वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे, और हमारी कंपनी की लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। तो यही है हमारा आज का चैप्टर, कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। इस चैप्टर में हम अपनी टर्म्स भी सीखेंगे, कि कौन कौन सी टर्म्स हमारी यूज होती हैं और क्या क्या उनके डेफिनेशंस है। तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट, अगर मैं हम किसी भी कंपनी की बात करें, अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें, लेट्स सपोज हमारी कंपनी है, उस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर वो क्या डिसीजन लेगा, वो सबसे पहले डिसीजन लेगा कि उसको इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो फंड्स हैं, हमारी कंपनी में जो फंड्स हैं, वो हमें किस हिसाब से यूज करने हैं, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ लगानी है, वेदर इन लॉन्ग टर्म फंड्स, इन शॉर्ट टर्म फंड्स, क्या हमें उस इन्वेस्टमेंट से, क्या हम उस इन्वेस्टमेंट से अपने एसेट्स परचेज करेंगे। देखो, कंपनी को बच्चा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करें, उसको फंड्स भी रेज करने होते हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन में आपको समझा के चल रही हूं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी कहाँ कहाँ करती है। तो हमें बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर वहां पे डिसीजन लेना होता है कि क्या हम उसको अपने पैसे को लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कि कैपिटल एसेट्स में यूज करें, कि हम उसको कहाँ यूज करें, उसको कैपिटल एसेट्स में यूज करें, और प्लांट परचेज कर लें, और मशीनरी परचेज कर लें, या फिर हम उसे शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए रखें। शॉर्ट टर्म फंड्स में हमारे आते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी कि अपनी डे टू डे के लिए रखें, या हम उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो सो मेनी ऑप्शंस इन इन्वेस्टमेंट, कि हमने अपने फंड्स को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इसमें फाइनेंस मैनेजर को बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से हमें रिटर्न क्या मिलेगी, वहां से हमारा रिस्क फैक्टर क्या है। तो इन सब चीजों को डिसाइड करता है हमारी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर। तो इसीलिए हमारे कंपनी में, जब भी हम किसी कंपनी में देखेंगे, तो हमें लगता है कि फाइनेंस मैनेजर की तो भाई बहुत मौज है, वो तो मोटी मोटी सैलरी ले रहा है, बट उसे इतने टफ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं कंपनी के, कि कहाँ पे हमें कितना रिटर्न लेनी है, किस तरह से जाना है, कितना रिस्क फैक्टर होगा उसमें, कि ताकि पैसा डूबने के भी चांसेस ना रहे। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि हमें कहाँ कहाँ पे पैसे, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है, और अदर ऑप्शन रहेगा फंड रेज करना। अदर ऑप्शन रहेगा हमारे पास फंड्स को रेज करना, कि हमें फंड्स कहाँ कहाँ से रेज करने हैं। देखो, या तो हम फंड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से
परचेज करेंगे, फंड्स लेंगे, या फिर हम कैपिटल यानी कि ओन्ड फंड्स, हम अपने ओन्ड फंड्स यूज करेंगे। दोनों केसेस में हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी इक्विटी लगानी है या फिर हमें कितना डेट रेज करना है। डेट रेज करना है तो हमें कहाँ से रेज करना है, कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से करना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट बैंक से, किस बैंक से करना है, किसका कितना इंटरेस्ट फैक्टर है। तो ये सब हम अपना स्टडी करेंगे फंड्स के टॉपिक में कि हाँ हमें फंड्स कहाँ से रेज करने हैं। और जो थर्ड डिसीजन हमारे फाइनेंस मैनेजर को लेना होता है वो रहता है हमारा डिविडेंड का। आपने अगर अपनी अकाउंट्स की क्लास लगा ली तो आपने वहां पे भी बच्चा देखा होगा कि डिविडेंड का हमें डिसीजन लेना होता है। डिविडेंड कहाँ से हम पे करते हैं, जो हमारा एंड में प्रॉफिट बचता है, जब हमारी कंपनी की बुक्स बनती है, जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, हम उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करते हैं। देखो अगर हम अपने शेयर होल्डर्स के एंड की बात करें तो हमारे शेयर होल्डर्स तो चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। बट एक फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस मैनेज करते टाइम ये देखना पड़ता है कि प्रॉफिट कितना देना है, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रॉफिट दे देगा तो उसके पास लिक्विड कैश नहीं बचेगा, यानी कि अपनी डे टू डे वर्किंग के लिए उसके पास कैश ही नहीं बचेगा, उसका कैश डिविडेंड में चला जाएगा। तो ये डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंस मैनेजर को, इसमें फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है उसको कि कितना प्रॉफिट का कितना पार्ट, कितनी रेशो हमें लिक्विड कैश के लिए रखनी है, अपनी डे टू डे यूजेज के लिए रखनी है, और कितना हमने डिविडेंड के रूप में दे देना है। तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक बार ओवरव्यू दिया इन सारी टर्म्स का। इन सारी टर्म्स को हम फर्दर अपने पूरे चैप्टर में स्टडी करके चलेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट में कैसे देखना है, क्या डिसीजन लेने हैं, फाइनेंस में क्या डिसीजन लेने हैं, और डिविडेंड में क्या करना है। द नेचर एंड द, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट एक्विजिशन एंड डिप्लॉयमेंट। एक्विजिशन मतलब कि एक्वायर करना फंड्स, कि फंड्स परचेज करना, फंड लेना, और डिप्लॉयमेंट मतलब फंड्स को यूज करना, कि हमें यूज कहाँ पे करने, कि हमें कितना पैसा मार्केट से रेज करना है, कितनी फंडिंग लेनी है, वो कैपिटल से लेनी है, इक्विटी से लेनी है, डेट से लेनी है, कितना प्रेफरेंस शेयर रखने हैं, कितने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल रखने हैं, ये सारा शॉर्ट टर्म के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज करने हैं, ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस को मैनेज करने का। तो मेजर थ्री की एरियाज जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट, कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, बोथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स हमारे हो गए जो स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, हमें उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब वर्किंग कैपिटल में, अपने स्टॉक में, क्योंकि ऐसा भी ना हो हम स्टॉक में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें कि हम अपनी मशीनरी, अपनी टेक्नोलॉजी ही रेज ना करें, तो टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करना जरूरी है। तो ये सब होता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट, कि हमें कहाँ पे कितना पैसा लगाना है। फाइनेंस आ गया कि कितने की हमें इक्विटी यानी कि ओनर के फंड रखने हैं, और कितने का डेट रेज करना है, और डेट रेज करना है तो किस ऑर्गेनाइजेशन से करना है, किस रेट पे करना है, ये सारा हम अपने पढ़ेंगे फाइनेंस के टॉपिक में, कि हमें यहाँ पे कितना फंड्स रेज करना है। नेक्स्ट हमारा अगर थर्ड डिसीजन की बात करूं तो डिविडेंड का आता है, क्योंकि डिविडेंड बच्चे हमेशा कैश से पे होता है, कैश फंड्स टू बी एलोकेटेड, जो हमारा नेट प्रॉफिट में जो कैश बचता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमने सारी सेल्स पोज, हमारा प्रॉफिट हाई है, कि हमारा प्रॉफिट हाई है, बट सारी की सारी सेल क्रेडिट सेल है, कि सारी की सारी सेल हमने क्रेडिट सेल की है, प्रॉफिट हाई है, हमारे पास कैश ही नहीं है, तो उस केस में तो हम डिविडेंड एलोकेट ही नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो सारे डिसीजन लेने कि कितना कैश रखना है, कितना डे टू डे बिजनेस के लिए रखना है, कि हमारी वर्किंग ना इफेक्ट हो, ये हमारा कहलाता है डिविडेंड का डिसीजन। ये देखिए यहाँ पे आपको चार्ट में भी, आपके स्टडी मटेरियल की अगर बात करें तो वहां चार्ट से भी क्लियर है कि कैसे लेना फंड्स, या तो डेट से या इक्विटी से। इक्विटी हो गया ओन्ड, ओनर की कैपिटल, इन्वेस्टर से कितना लेना है फाइनेंस, की कंपनी में वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है, इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट, डिविडेंड कितना रखना है, ये सब है कि कितना पैसा लेना है और कहाँ कहाँ लगाना है। इन सारी टर्म्स को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको किसी भी लाइन से आ जाए वो क्लियर हो जाएंगे। इन टेकिंग द डिसीजन द फाइनेंशियल मैनेजर विल नीड टू टेक अकाउंट ऑफ, क्या क्या रखेगा वो ध्यान में,
अच्छा, सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कमर्शियल आ गया हमारा, कि हमने जो डिसीजन लेने हैं डे टू डे कि कितनी ग्रोथ करनी है, क्या हमें कोई नया बिजनेस एक्वायर करना है, या फिर क्या हमें कोई नया मार्केट में ब्रांड लेके आना है, कोई प्रोडक्ट लेके आना है, या फिर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा हमारा कि फंड्स कहाँ कहाँ लगाने हैं, उस पैसे को यूज कैसे करना है, कि ये जो हमारा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है उस पे हमने फाइनेंस कैसे कैसे इंक्लूड करना है। द ब्रॉडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि हमें अपना आसपास का आउटर एनवायरनमेंट भी देखना है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, जिस कंडीशन में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो ये सारा कुछ वो एक फाइनेंस मैनेजर देख के चलेगा। द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द डिसीजन एंड मेथड ऑफ मैनेजिंग रिस्क, ये वही आ गया कि हमें अपने स्टॉक, मतलब अगर हम बात करें ना एक कंपनी को, अगर स्टॉक्स परचेज करने हैं तो वो वहां से फास्ट और प्रॉफिट बना सकती है कि हमने स्टॉक बना लिए तो फटाफट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लिया, बट नो, अगर हमें ये डिसीजन लेना है तो हमें साथ में रिस्क फैक्टर भी देखना है कि उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा रिस्क फैक्टर कितना है, कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर हम उसमें से ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो उस अर्निंग के बेसिस पे हमारा कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पर्सन उस कंपनी में पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहता जहां पे हाई रिस्क हो। तो फर्स्ट हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो तीनों की एरियाज, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से हम स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, हमें अपने लॉन्ग टर्म प्लान भी देखने पड़ेंगे कि हमारे लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, कि इन्वेस्टमेंट अगर तो हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है या कोई हमारा नया प्रोजेक्ट है जिसको हम एक्वायर करना चाहते हैं, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये सारी चीजें हम देख के चलेंगे। इसमें हमें सबसे बड़ा पहला जो हमने देखना है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। टू ऑपरेट ऑल द बिजनेस वी ऑल नीड फाइनेंस, कि हम सबको फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए। अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होगा, द रोल इज इंश्योर दिस फाइनेंस इज यूज एफिशिएंटली, उसको क्या देखना है कि हमने जो फाइनेंस यूज करना है, हमने जो इन्वेस्टमेंट यूज करनी है वो एफिशिएंटली यूज करनी है, जिसमें हमें रिटर्न भी मिले और हमें रिस्क भी मैनेज हो। कि ऐसा नहीं है कि हम स्टॉक में या किसी रिस्की वेंचर में पैसे लगा दें अपने सारे, जहां पर रिटर्न तो बहुत अच्छी आ रही है बट रिस्क ही मैनेज नहीं हो रहा। तो हमने ये दोनों चीजें मैनेज करके चलनी है कि रिटर्न भी आए इन्वेस्टमेंट से और रिस्क भी मैनेज हो। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंसीडर द लॉन्ग टर्म प्लान, मैंने आपको यही बताया कि हमें लॉन्ग टर्म प्लान देख के चलने हैं, एंड आइडेंटिफाई द राइट प्रोजेक्ट, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लिए अच्छे हैं जिन पे रिटर्न भी मिले और रिस्क फैक्टर भी मैनेज हो जाए। द प्रोजेक्ट अंडरटेकन विल नियरली ऑलवेज इन्वॉल्व द नॉन करंट एसेट, कि हम नॉन करंट एसेट्स ही इन्वेस्टमेंट में देख के चलते हैं कि हमारे कौन कौन से नॉन करंट, मतलब जो हमने मशीनरी वगैरह परचेज करनी है। फॉर अ बिजनेस टू बी सक्सेसफुल एज वेल एज आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लेंटिंग पोटेंशियल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, मतलब ऐसा नहीं कि सारे का सारा पैसा हम लेके जाएं और अपनी उनको सेविंग कंसीडर करके उनको स्टॉक में लगा दें, किसी चीज में लगा दें, हमें फर्दर लॉन्ग टर्म और प्रोजेक्ट्स में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि आगे बिजनेस ग्रो करके चले हमारा। इट मस्ट सर्वाइव डे टू डे, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, कि ये नहीं है कि सारा पैसा जितना हमारे पास कैश में था कि हमने उसका सारे का सारा लगा दिया और एंड में डे टू डे स्टॉक के लिए, डेटर्स की रिक्वायरमेंट के लिए कि हमें पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स का, उन सब के लिए, हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास पैसे ही ना बचे। डेट्स आर कलेक्टेड, कि हमें देखना है कि हमारे पैसे जो डेटर्स से आने वो कलेक्ट हो जाए, हमारी जो लाइबिलिटी है वो टाइम से पे हो जाए। इन्वेंट्री लेवल्स आर केप्ट एट मिनिमम लेवल कंपैटिबल विद द एफिशिएंट प्रोडक्शन, कि इन्वेंट्री कितनी रखनी है कि ये ना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें वर्किंग कैपिटल के लिए, पैसा कम पड़ जाए, तो हमारी मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, जो आपने कॉस्ट में स्टडी भी करना है कि जो हमारा F5 के एग्जाम में कि मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक जो हमारा है वो रखना है, कैश बैलेंसेस रखने हैं, पेबल्स टाइम पे पे हों, तो ये सारा हम देखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने देखना है कि इक्विटी और डेट की क्या रेशियो रखनी है हमने, कि इक्विटी और डेट की हमने अपने बिजनेस में क्या रेशियो रखनी है, क्या प्रोपोर्शन रखना है, क्योंकि सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंसिंग चाहिए ही चाहिए। और फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले तो हमें ओन्ड फंड्स लाने ही पड़ते हैं, कुछ तो
ओन्ड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद हमें फर्दर देखना पड़ता है कि कितना डेट का पोर्शन है, वो डेट हमें रेज किससे करना है, क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें देखना है कि हम उसमें से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में करें, वहां पे हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रह रहा है, क्या हमारा लाइबिलिटी बन रही है वहां पे। अ की फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स, कि हमने लॉन्ग टर्म फंड रेज करने हैं या शॉर्ट टर्म फंड रेज करने हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, की हमारी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें फंड्स लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, 12 मंथ्स तक वाले चाहिए या क्या चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का डिसीजन हमारा डिपेंड करता है कैश के ऊपर। मैंने आपको बताया कि कैश, कि हमने कैश कितना हमारे पास अवेलेबल है, उसमें उसको हम दो पार्ट्स में नेट प्रॉफिट को रखेंगे, या तो डिविडेंड देंगे नेट प्रॉफिट से, या तो उसको हम फर्दर अपने बिजनेस में ही रिटेन करेंगे। देखो, अगर मैं बोलूं ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में रिटेन कर लो, ठीक है, अगर मैं बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर बोलूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में रिटेन कर लो, क्यों? क्योंकि चाहिए होगा फर्दर। जैसे कोविड आया, कोविड के केसेस में अगर बिजनेस ने फंड्स ना रिटेन किए होते तो बिजनेस को अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज करना या बिजनेस रन करना डिफिकल्ट हो जाता। तो बिजनेस में कैश रिटेन करना भी जरूरी है और डिविडेंड देना भी बच्चे जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो आपके इन्वेस्टर्स, आपके शेयर होल्डर्स खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो आपसे यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा डिविडेंड दो, क्योंकि अगर आप अच्छे से अच्छा डिविडेंड दोगे तो ही उनकी अर्निंग होगी। तो इसीलिए हमें दोनों चीज में बैलेंस बना के चलना है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना हमें बिजनेस में रिटेन करना है, कि हमें जब कोई कंटिजेंसी रेज हो या कोई नीड हो बिजनेस की तो उसके लिए बिजनेस के पास भी पैसे हों। हैविंग इन्वेस्टेड वाइजली अ बिजनेस विल होपफुली बी प्रॉफिटेबल एंड जनरेट कैश, कि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अच्छा चल रहा है और कैश भी जनरेट कर रहा है, तो फाइनल डिसीजन क्या लेगा फाइनेंस मैनेजर, कि हमने कितना ओनर्स को वापस करना है, यानी कि कितना हमने डिविडेंड देना है और कितना हमने अपने पास रिटेन करना है, कि या तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने इन्वेस्टर में, और कितना रिटेन करना है। द डिसीजन ऑन लेवल ऑफ डिविडेंड टू बी पेड कैन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल, क्योंकि अगर आप डिविडेंड नहीं पे करोगे तो कोई भी इन्वेस्टर आपके कंपनी में पैसे लगाएगा ही क्यों, कि इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई यहां से तो कुछ रिटर्न ही नहीं आ रही, कि अगर यहां से कुछ रिटर्न नहीं आ रही तो मैं इसमें अपना पैसा लगाऊं ही क्यों। और अगर हम पे ज्यादा कर देंगे तो हमारे पास बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए फाइनेंस मैनेजर का रोल रहता है कि वो देखिए कि उसको कितना पे करना है और कब पे करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अदर वन है आपके पास जो आपकी इसमें है मैनेजमेंट होगा, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेजर डिफरेंस क्या है आपका। तो बच्चे सेम, एक तो आप अभी पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी अगर आपको मैं यहाँ पे बात करूं, कि अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फंड्स को मैनेज करना, कि पैसा कहाँ लगाना है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये तो आपका अलग से एक सब्जेक्ट ही है, कि इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगी इस चैप्टर में, क्योंकि ये तो आपका सबको पता है, आपको मतलब आप लोग इस स्टेज पे एसीसी के एग्जाम कर रहे हो तो आपको सबको पता है यहाँ पे, कि ये तो आपके अलग अलग चैप्टर ही हैं, कि आपके अलग चैप्टर हैं कि इनमें क्या क्या फर्क है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया फंड से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमारी एंट्रीज कैसे पड़ेंगी, कि हमने जो फंड्स यहाँ पे मैनेज करने, जो अभी हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्क कर रहे हैं उसकी हम अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट्स बनानी है, P&L बनाना है, तभी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हमारे डे टू डे फंक्शन कैसे करने हैं बिजनेस को, कि मैनेज करना, कि हमें डे टू डे बिजनेस कैसे करने हैं, ये है उससे रिलेटेड। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डे टू डे फंक्शन कैसे करने हैं, डे टू डे डिसीजन मेकिंग कैसे रहनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे है, कि हमें पास्ट का डाटा लेके अपना अकाउंटिंग करनी है, बैलेंस शीट्स बनानी है, P&L बनाना है, रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइनेंशियल रोल्स।
कि फाइनेंशियल रोल्स हमारे क्या क्या हैं, क्या डिसीजन मेकिंग है इन सब का, क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करती है हमारी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोथ आर कंसर्न्ड विद यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी रिसोर्सेज यूज होते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यूज होते हैं। तो हम इनका मेजर डिफरेंस क्या है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो मेजर डिफरेंस है कि हमें लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करना है और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, डिविडेंड कितना देना है, ठीक है। ये तो करेंगे, पैसा लेके आएंगे, पैसा पहले बिजनेस में लगाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट का देखेंगे कि पैसा कहाँ जाना है। ये तो अपने मेजर मेजर डिसीजन लेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले, कि फाइनेंशियल मैनेजर तो ये देखेगा कि इतना मैंने स्टॉक में लगा दिया, इतना मैंने एसेट्स में लगा दिया, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, डेट ले आया, इक्विटी ले आया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले देखते हैं कि ये जो पैसा हमारे बिजनेस में आया है इसको हमने कैसे एफिशिएंटली ऑपरेशंस में यूज करना है, कैसे कैसे डे टू डे फंक्शन करने हैं, कि हमने कितना मतलब रिसोर्सेज शॉर्ट टर्म पे लगाने हैं, क्या क्या हमने डिसीजन मेकिंग लेनी है। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे डे टू डे की मैनेजमेंट है, कि हमने डे टू डे क्या डिसीजन लेने हैं, मतलब क्रेडिट पीरियड कितना देना है, कि हमने क्रेडिट पीरियड कितना देना है, क्या हमारे पेबल्स का टाइम रहेगा, और क्या हमने बजटिंग कैसे करनी है कि हमारा प्रॉफिट मैनेज हो जाए जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो ये देखते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो आप सबको पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स बनाना। अकाउंट्स बेसिकली पास डाटा को उठा के जो ऊपर हम फंड्स लेके आए थे, फिर हमने उन फंड्स को यूज किया कि अपने बिजनेस में कैसे कैसे लगाया, उस सब डाटा को रिकॉर्ड करना, ये सारा हमारा क्या लगता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा जो टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है हमने, और हमने उसका क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, उस सबको देखना कि ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट डिफाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू अचीव। जैसे अगर मैं अब आपका टारगेट या आपके ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो आपका है एग्जाम क्लियर करना, कि ACCA के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, वन गो में क्लियर करना। तो सेम वे में हर कंपनी का एक टारगेट होता है, कि हमारा टारगेट क्या है, व्हाट इज द टारगेट एंड हाउ टू अचीव इट। सेम वे आप अपने एग्जाम की वो ले लो, कि आपने क्या किया, आपने कितने आर स्टडी करनी है, कि आपका मेन आपका टारगेट है कि आपको ACCA का एग्जाम वन गो में क्लियर करना है, और आपने हाउ कि उसको करना कैसे है, कितने आर स्टडी करनी है, कितना अपना पर्सनल लाइफ को टाइम देना है, कितना आपको अपनी स्टडी पे टाइम देना है, किस किस सब्जेक्ट को, किस किस क्लास को कितना टाइम देना है। तो यही है हमारा कि हमने कितना करना है और कैसे करना, क्या करना है और कैसे करना है, कि हमारा ओवरऑल मिशन यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट क्या है, हमारे गोल्स क्या है। तो ये हमारा डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव है, इसकी हमने स्ट्रेटजी बना ली। तो ये ऑब्जेक्टिव दो तरह के हो सकते हैं, कमर्शियल एंड, दो तरह के होते हैं कमर्शियल एंड फाइनेंशियल। हमने ऊपर भी पढ़ा कि कमर्शियल हो गया कि ब्रॉड वे पे डिसीजन लेना, कमर्शियल हो गया ब्रॉड वे पे मतलब सिर्फ डिसीजन लेना कि मार्केट को कितना एक्सपेंड करना। जैसे मैं बोलूं कि मेरी कंपनी इस टाइम पे पंजाब में है, मुझे इस कंपनी को फर्दर और स्टेट्स में लेके जाना है, मुझे इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, मुझे एक नया ब्रांड स्टार्ट करना है, नई मार्केट एक्सपेंड करनी है। तो ये है मेरे कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, कि ये मेरा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है। और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमने ऊपर स्टडी किए सारे, कि हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए हम देखेंगे कि विजिबल है, ठीक है, विजिबल है, वायबल है या नहीं है, कितना हमने शेयर का प्राइस रखना है, हमारी EPS, ये सब हम आगे सब टॉपिक में स्टडी करेंगे EPS और शेयर प्राइस का। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंड कैसे करना है। अब नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनिक और एक्विजिशन क्या होता है, कि ऑर्गेनिक एंड एक्विजिशन क्या होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑर्गेनिक हो गया बच्चे कि बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनिकली ग्रो कैसे कर रहा है, कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस मेरा अच्छा चला, प्रॉफिट आया, मैंने और इन्वेस्टमेंट की, फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और पैसा आया, कि मतलब एक ही बिजनेस चल रहा है,
एक ही बिजनेस चल रहा है, उसको जैसे जैसे प्रॉफिट आ रहा है उसी में हम फंड्स ला रहे हैं, उसी बिजनेस को हम ग्रो कर रहे हैं, वो हो गया ऑर्गेनिकली कि बिजनेस अपने आप अच्छा चल रहा है क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं इसीलिए हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हार्ड वर्क पे कर रहा है हमें, कि जितना जितना हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना उतना हमें पेमेंट हो रही है, उतना उतना हमें प्रॉफिट हो रहा है। और एक्विजिशन का ऑन द अदर हैंड क्या हो गया कि हमने बिजनेस को कैसे ग्रो किया, अदर कंपनी को, अदर छोटी स्मॉल कंपनीज को, स्मॉल बिजनेसेस को एक्वायर करके, यानी कि टेक ओवर करके, कि मैंने अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं किया कि हाँ मेरा बिजनेस ग्रो कैसे हो कि मैंने हार्ड वर्क किया, उस हार्ड वर्क को करते करते मेरा बिजनेस ग्रो हो गया, नो, इसमें ये हो गया ऑर्गेनिक। एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस अच्छा चला, हमने स्मॉल कंपनी को एक्वायर कर लिया, स्मॉल बिजनेस को एक्वायर कर लिया, उसको एक्वायर किया, उसको टेक ओवर किया, उसको अपने बिजनेस में मिलाया, हमारा बिजनेस ग्रो किया, फिर किसी और स्मॉल कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो ये सब डिसीजन लेने कि क्या हमारा बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा या फिर हमें एक्विजिशन करनी पड़ेगी। तो यही है हमारा कमर्शियल और फाइनेंस डिसीजन का, कि कमर्शियल पे हमने देखना कि हमें कितनी लिक्विडिटी रखनी है, क्या हमारा न्यू इक्विपमेंट्स लेने हैं, क्योंकि कोई भी फाइनेंस मैनेजर ये नहीं डिसाइड करेगा कि हमें नई बिजनेस कहाँ एक्वायर करना है, कहाँ पे पैसे और लगाने, किस बिजनेस को टेक ओवर करना है, ये सब हमारा कमर्शियल लेवल पे होता है और हमारे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो नेक्स्ट आगे हमारे तीन लेवल, कॉर्पोरेट, बिजनेस और ऑपरेशनल, कि हमारे बिजनेस में तीन लेवल रहते हैं। ये तो था हमारी स्ट्रेटजी कि कमर्शियल स्ट्रेटजी बनाना या फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाना। तो अब हमने देखना है कि हमारे बिजनेस में किस लेवल पे क्या डिसीजन मेकिंग की जाती है। जैसे हम सबने प्लस टू में भी मैनेजमेंट करी थी, जब हमने वहां पे बिजनेस मैनेजमेंट करी थी तो हमने तीन लेवल पढ़े थे, टॉप का, मिडल का और लोअर लेवल। तो सेम ये वैसा ही है, कॉर्पोरेट लेवल बेसिकली आपका टॉप लेवल पे हो गया, जिसमें आपके डायरेक्टर्स आ गए, जिसमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ आ गए, वो आ गए हमारे कॉर्पोरेट लेवल वाले। नेक्स्ट आ गया बिजनेस, बिजनेस जो हो गया हमारा मैनेजर्स आ गए, मैनेजीरियल पर्सन, फाइनेंस मैनेजर आ गया, ये लेवल हो गए हमारे अलग अलग। थर्ड आ गया ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल मतलब हमारी जो डे टू डे वर्क कर रहे हैं, हमारे स्टाफ हो गया, हमारे एम्प्लॉइज हो गए। तो इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि बेसिकली हमने इस टॉपिक में स्टडी क्या करना है, कि एक तो हमने ये देखना है कि जो हमारे तीन लेवल हैं, कॉर्पोरेट लेवल, हमारा बिजनेस लेवल और हमारा ऑपरेशनल लेवल, की इन तीनों ने क्या क्या डिसीजन लेने हैं और कौन सी स्ट्रेटजी हमारी कमर्शियल है और कौन सी हमारी फाइनेंशियल है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक में से, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कि हमने कितने डिसीजन लेने हैं, कौन सा हमारा डिसीजन स्ट्रेटजी वाला है, कौन सा हमारा डिसीजन फाइनेंशियल है, कमर्शियल है, किस मैनेजमेंट में लेना है। हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, फास्ट फास्ट गो थ्रू हो जाता है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैं इसको स्टडी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ क्लास की टाइम वेस्टेज का होगा। तो हम इसको स्टडी करके फर्दर एक बार देख लेते हैं कि हमने ऊपर डायग्राम में जो किया है उसमें क्या फर्दर एक्सप्लेन किया है, ताकि आपने बट इसको प्रॉपर स्टडी करके चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपने जब इसको एक बार रीड किया होगा तो आपको वहां पे लाइंस लिखने में इजी रहेगा कि हमने क्या उसको बेसिकली डिटेल में लिखना है। ईच गोल इज देन फर्दर ब्रोकन डाउन इन टू डिटेल, दो चीजों में डिवाइड होता है गोल, या तो हमारा कमर्शियल गोल होगा या हमारा फाइनेंशियल गोल होगा। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टारगेट्स हमारे कमर्शियल है, कौन से फाइनेंशियल है, और हमने उनको कैसे मॉनिटर करना है ताकि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज टू एम्फेसाइज दैट नॉट ऑल ऑब्जेक्टिव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, कि सारे के सारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव मॉनिटरी टर्म्स में नहीं डिसाइड होते, सम कमर्शियल्स भी होते हैं। These are then cascaded down throughout the organization through the setting of targets, so that all parts of business are working to achieve the overall growth. हमने इसलिए, मैंने आपको बोला ना कि हमने overall objective achieve करना है, हमने wealth maximize करनी है, हमने profit target करना है, तो हमने growth करना है, तो ये सारे objective दोनों commercial और financial मिलके हमें overall objectives achieve करने में help करते हैं। For example, द रिसीवेबल डेज, यानी कि हमने कितना क्रेडिट पीरियड दिया है या कैश कब कलेक्ट करना है,
टारगेट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट शुड बी लिंक टू द कैश नीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कि अगर हम देखें कि जो हमारा क्रेडिट डिपार्टमेंट है तो उसने क्या देख के चलना है, उसने ये देख के चलना है कि हमने कितने टाइम का कैश पीरियड रखना है, कितना क्रेडिट देना है अपने सप्लायर्स को, कितना हमने अपने पीरियड देके चलना है अपने डेटर्स को, ताकि जो हमारे इन्वेस्टमेंट वाली टीम है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वाले, उनको दिक्कत ना हो, उनकी कैश लिक्विडिटी बनी रहे। वंस द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट सेट सेट, सबसे पहला हमारा क्या सीन रहेगा कि हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें। द एंटरप्राइजेस मस्ट देन वर्क गो टू अचीव देम, कि वो पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर हमने अपने सारा बिजनेस उस हिसाब से डेवलप करना है या इंप्लीमेंट करनी है स्ट्रेटजीज, कि ताकि हम अपने बिजनेस में वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कंसर्न द डिसीजन मेड बाय सीनियर मैनेजमेंट, मैंने आपको ऊपर भी स्टडी करा, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो हमारे कॉर्पोरेट के डिसीजन होते हैं वो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, क्योंकि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि हमने कहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, एक्वायर करना है या नहीं करना है, कौन सा हम नया ब्रांड लेके आ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या टॉप लेवल ही डिसाइड कर सकता है सीनियर मैनेजमेंट की, वेदर न्यू मार्केट शुड बी एंटर्ड, क्या नया मार्केट एंटर करना है और या फिर विदड्रॉ करना है। सर डिसीजन कैन ऑफन हैव एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, कि अगर हमने ये डिसीजन सही नहीं लिए तो सारा मतलब उसके बाद जो स्ट्रेटजीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनेंगी, जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बनेंगी, वो सारी की सारी कोई वर्थ नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डिसीजन इज टेकन टू एंटर अ न्यू मार्केट, कि अगर हमने न्यू मार्केट में जाना है या फिर एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन दैट मार्केट कुड बी बॉट और अ न्यू कंपनी स्टार्ट, कि क्या हमें एक्वायर करना है या अपने ही मार्केट को, अपने ही उसको एक्सपेंड करके चलना है या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सारा हमारा कॉर्पोरेट लेवल यानी कि टॉप मैनेजमेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी देखते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी हमारा मिडिल लेवल टीम बनाती है, यानी कि हमारे मैनेजीरियल पर्संस बनाते हैं, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर। बिजनेस स्ट्रेटजी कंसर्न द डिसीजन टू बी मेड बाय द सेपरेट स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स विद इन द ग्रुप, की हमारी फाइनेंस की क्या स्ट्रेटजीज रहेगी। ईच यूनिट विल ट्राई टू मैक्सिमाइज, कि ऊपर से टॉप लेवल, बिजनेस लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सबका क्या मोटिव है कि हमने मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट, अपना कॉम्पिटिटिव पोजिशन मार्केट में लेके आनी, खुद को स्ट्रांग करना है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी वाले क्या देखेंगे कि कितना शेयर प्राइस रखना है, कितना ईपीएस रखना है, क्वालिटी कितनी रखनी है, कॉस्ट कितना रखना है, ये सारा वो देख के चलेंगे। नेक्स्ट आगे ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, की जो हमने ऊपर बिजनेस के स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको हमने डे टू डे फंक्शन में कैसे लेके आना है, कि उन हमारा फंक्शनल एरिया, ये बेसिकली यहाँ पे जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है डिपार्टमेंट हेड्स बनाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट हेड्स बनाते हैं कि जो हमने ऊपर कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाई है उनको कैसे फॉलो करें, कि हमारा टारगेट अचीव हो, उनको डे टू डे बिजनेस में कैसे लेके आए। ये हमारा नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं उन्होंने, और ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज के है, तो ये आप एक बार इसे गो थ्रू हो जाइएगा, कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिकली आप इस क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, अदरवाइज हम जब क्लास का सारा टॉपिक फिनिश कर देंगे ये वाला, तो हम उसके बाद इनके क्वेश्चंस को एक बार जरूर सॉल्व करेंगे, बट आप आज की क्लास के बाद इस क्वेश्चन को एक बार जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, कि ये सारे जो डिसीजन हैं, कि ये हमारे कॉर्पोरेट हैं, बिजनेस हैं या फाइनेंस, किससे ऑपरेशनल, किससे रिलेटेड है, और क्या ये हमारी स्ट्रेटजी है या फाइनेंशियल डिसीजन है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कि हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब मैंने आपको ऊपर भी बोला कि सबसे पहले जो हमें सबसे पहला और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हमारा मेन पर्पस नहीं है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस का मेन टारगेट जो रहता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट ना हो, हमारी कंपनी का लॉस हो, बट फिर भी हमारी कंपनी ग्रो कर रही हो, क्योंकि उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, कि उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना हमारा मेन रहता है। उसमें हम देखेंगे कि हमें
कैसे कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एक फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेने हैं। शेयर होल्डर को अगर हम वेल्थ में शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी चल रही है, जब उसको डिविडेंड मिलेगा, उसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, तो इन सब चीजों से शेयर होल्डर को पता लगता है। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि अगर हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कोई भी फर्दर फाइनेंसिंग कंपनीज, कोई भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने जो मेन इन तीनों को बैलेंस करके चलना है कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जिससे द मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो सजेस्टेड, कि और भी ऑब्जेक्टिव हैं बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बच्चा और ऑब्जेक्टिव तो हमें पता ही कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को मार्केट शेयर करना है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा कि हम साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी देख के चलें, हेल्दी कंपटीशन रखें, अपना मतलब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ साथ फुलफिल करें। तो ये है हमारा अदर पर्पसेस जो बिजनेस का और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पास्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, कि हमारी डिविडेंड देना, हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करना, कि शेयर प्राइस इंक्रीज हो, ये कहलाता है हमारा बेसिकली वेल्थ का मैक्सिमाइज करना। इफ स्ट्रेटजी इज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू नीड ऑफ अचीव ऑब्जेक्टिव, कि हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टू क्लियर अबाउट दोज ऑब्जेक्टिव। अब जैसे मैं टेस्ला कंपनी की बात करूँ ना, जब पहले टेस्ला कंपनी का शेयर था, शेयर प्राइस बढ़ रहा था टेस्ला कंपनी का, बट वो फिर भी वहां पे उनकी जो बुक्स थी वो लॉस दिखा रही थी, तो इसका मतलब था कि उनकी वेल्थ तो मैक्सिमाइज हो रही है, चाहे वो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा बट उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। उनके शेयर होल्डर का, जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, उनका मार्केट प्राइस, उनका शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है, कि शेयर प्राइस तो हमारा कि शेयर प्राइस तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो मोस्ट कंपनीज, अगर हम बात करें शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना, हमारे शेयर प्राइस को इंक्रीज करना। मोस्ट कंपनीज आर ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स, की इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, ओरिजिनली सेटअप टू मेक मनी फॉर दोज शेयर होल्डर्स, की ओरिजिनल जो पैसा लगता है वो शेयर होल्डर। मैंने बोला था ना कि पहले तो हमें कंपनी में ओन फंड्स लेके आने पड़ेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट कंपनीज दस टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, की जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, जो ओनर है कंपनी के, क्योंकि जो ओनर है और डायरेक्टर है, जो कंपनी रन कर रहे हैं और जो मेन ओनर है, जिनका पैसा लगे, वो कंपनी में हमेशा डिफरेंट रहते हैं। तो इसीलिए हम अगर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, उनका शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, तो कोई भी पर्सन, कोई भी अदर इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज करनी है। दिस इज नॉट नेसेसरी द सेम एज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके ही वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। जैसे एग्जांपल, टेस्ला शेयर प्राइस ग्रू फॉर एन एवरेज $4.67 सिंह का शेयर प्राइस कितना हो गया था, 63.4। बच्चा देखो कितना ज्यादा मल्टीपल टाइम्स उनका शेयर इंक्रीज हुआ है, जबकि टेस्ला की बुक्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि वो लॉसेस शो कर रहे थे, कि उनका शेयर प्राइस 4.67 से 63.4 आ गया, बट वो फिर भी लॉसेस थे। तो इसका मतलब है उनकी वेल्थ तो मैक्सिमाइज हो रही है, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, चाहे उनका प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देयर आर नंबर ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब समझो कि अगर हमने अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना रख लिया, कि अगर हमने सोचा कि हमने वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं करना, हमने सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें क्या क्या इश्यूज आएंगे। सबसे पहला इश्यू, इन एनी बिजनेस इट इज पॉसिबल टू बूस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कि हमने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न कर लिया बट लॉन्ग रन में हमारे पास वो रिस्की वेंचर है,
या फिर हमने अब फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ एडवर्टाइजमेंट की। मैंने इस साल, मैंने 2022 में अपनी कंपनी में बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं किया। मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन लिया, मैंने एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल खर्चा नहीं किया। तो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा ना करने से मेरी कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट मेरी डाउन हुई, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। बट उसका इम्पैक्ट क्या आया? उसका इम्पैक्ट ये आया कि मेरा जो लॉन्ग टर्म था, मेरा बिजनेस लॉन्ग रन में स्लो हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। एक टाइम पे आज से कुछ साल पहले पेप्सी और कोका कोला दोनों कंपनीज ने अपना एडवर्टाइजमेंट कट की थी, उनकी एडवर्टाइजमेंट कम हो गई थी। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा था उसको कम कर दिया था। जब हम आगे टीवी चलाते थे तो हर दूसरी तीसरी एड कोका पेप्सी की रहती थी, बट उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम किया। तो उसका उनको लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट मिला कि लॉन्ग रन में बहुत सारी और कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज आ गई, स्प्राइट आ गई, या फिर हमारे एनर्जी ड्रिंक्स ने ले ली, मार्केट कैप्चर कर ली। तो इस वजह से एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंज्यूमर पे बहुत इम्पैक्ट डालती है कि क्या जो हमारा कंज्यूमर है वो एडवर्टाइजमेंट देख के, वो अट्रैक्ट होके वो प्रोडक्ट ले रहा है। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। हो सकता है हम लॉन्ग रन को छोड़ के शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट अर्न कर लें कि शॉर्ट टर्म में तो हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, बट हम लॉन्ग रन में धोखा खा गए। लॉन्ग रन में हमारा बिजनेस मार्केट से पीछे जा रहा है। तो सेम वे में हमारा स्टॉक एक्सचेंज इम्पैक्ट करेगा कि हमारा शेयर प्राइस कंपनी का फॉल होने लग जाएगा। तो यही अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जाएंगे तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम ये रहेगी। नेक्स्ट है हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है, क्वालिटी रिस्क ऑफ अर्निंग, यानी कि क्वालिटी का, अर्निंग की क्वालिटी कम होना। अब बिजनेस में इंक्रीज इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट बाय टेकिंग अ हाई लेवल ऑफ रिस्क। हमने पहले भी क्लास की स्टार्टिंग में किया था कि हमें रिटर्न और रिस्क दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं है कि हम हाई रिटर्न हाई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हाई रिस्की एरिया में जाके, क्योंकि अगर आप हाई रिस्की एरिया में जाके प्रॉफिट अर्न करोगे ना तो लोग, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर आपके बिजनेस में पैसा लगाने से डरेंगे कि कल को इतना रिस्की प्रोजेक्ट है, क्या पता कब कोई दिक्कत आ जाए, कब कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और सारा पैसा ही डूब जाए। तो हमें रिटर्न और रिस्क के लेवल को एक फाइनेंस मैनेजर को बैलेंस करके चलना पड़ता है। द रिस्क में इंडेंजर द रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर की हो सकता है कम रिस्क लेने से शेयर होल्डर की रिटर्न कम हो, बट बात यह है कि इतना भी रिस्क नहीं ले सकते कि कोई पैसा इन्वेस्ट ना करे। द स्टॉक एक्सचेंज विल देन जनरली रिगार्ड दिस अर्निंग एज बीइंग ऑफ पुअर क्वालिटी, कि अगर जो हमने फास्ट फास्ट रिटर्न करके फास्ट फास्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा लिया है तो उससे हमारा शेयर प्राइस हमेशा डाउन ही आएगा। क्यों डाउन आएगा? क्योंकि रिस्की प्रोडक्ट्स में, रिस्की वेंचर्स में कोई भी बंदा नहीं अर्न करना चाहता। तो इसका भी हमें इम्पैक्ट क्या मिलेगा कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो कम हो रहा है। थर्ड आ गया हमारा कैश। बच्चा जो नेट प्रॉफिट रहता है ना वो बेसिकली एक पेपर फिगर है, बुक्स में शो करता है। सपोज मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी थी कि मैंने सारी की सारी सेल क्रेडिट में कर ली, सारी की सारी सेल क्रेडिट सेल कर ली, सारा ही बिजनेस उधार पे चल रहा है। तो नेट प्रॉफिट तो कंपनी का शो कर गया, नेट प्रॉफिट तो शो कर गया। हो सकता है मैंने क्रेडिट सारी सेल की, फॉर एग्जांपल परचेज मैंने कैश में कर ली, परचेज मैंने कैश में कर ली, सेल मैंने क्रेडिट पे कर ली, कि कैश हमारे बिजनेस से चला गया और सेल का पैसा भी आया नहीं। तो इससे नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया क्योंकि मैंने सेल कर ली, बट जो लिक्विड कैश है, जो मेरा कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो गया, मेरा कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। देखो कि क्रेडिट सेल से सेल हो गई, नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, बुक्स में, पेपर में, बुक्स में शो हो गया पेपर में कि हाँ नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में शो कर रहा है ट्रेडिंग पीएनएल में, बट कैश में सारी परचेज की है मैंने, कैश चला गया, सैलरी मैंने कैश में दे दी, मैंने परचेज कैश में कर दी, मैंने सैलरी कैश में दे दी, मेंटेनेंस के खर्चे कर दिए, डे टू डे खर्चे मैंने सारे कैश में कर दिए। तो मेरे पास कैश तो बचा ही नहीं शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए, क्योंकि मेरा कैश क्या है, मेरा कैश नेगेटिव है। तो इस केस में भी मेरा शेयर प्राइस कम ही होगा क्योंकि हम डिविडेंड तो दे ही नहीं पाएंगे।
डिविडेंड आर पेड ओनली विद कैश, इन्वेस्टर विल देयरफॉर कंसीडर कैश फ्लो एज अ प्रॉफिट, कि हमारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के लिए तब बनता है जब हमारे बिजनेस में कैश है। तो ये तीनों पॉइंट जो हमने स्टडी किए कि हमने लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं बनाया, शॉर्ट टर्म में बना लिया खर्चे कट करके, क्वालिटी, रिस्क और कैश, ये सारे हमारे किसको इफेक्ट करते हैं, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। कि अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमने सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है, तो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज, अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। तो इसीलिए जो मेन पर्पस है बिजनेस का, मेन जो फंडा है, वो है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट है हमारा अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस। ईपीएस हमारा यहाँ पे तो सिर्फ ईपीएस की डेफिनेशन है, फर्दर आपके आगे चैप्टर आएगा जिसमें हमें सारा कुछ ईपीएस की कैलकुलेशन आएगी, फर्दर फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करें ईपीएस है क्या। ईपीएस होता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट, कितना हमारा जो पर्सन्स को, इन्वेस्टर्स को डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो प्रॉफिट है, सारे खर्चे पे करने के बाद, अपना टैक्स पेमेंट करने के बाद, हमारा जो एंड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट बचता है इन्वेस्टर को, हमारी वो अर्निंग डिवाइड हम उसको करते हैं हमारे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कि हमारा पर शेयर की कितनी अर्निंग है। इसका मतलब है हमारी पर शेयर की कितनी अर्निंग, हमारा एक शेयर हमें कितना पैसा दे रहा है। बेसिकली ये डिविडेंड का ही आ गया कि हमारा एक शेयर हमें कितना पैसा दे रहा है। इन्वेस्टर अपने किसी भी बिजनेस की अच्छाई को वहां से देखेंगे कि बिजनेस अच्छा है बुरा, कि उनकी अर्निंग पर शेयर, उनका पर शेयर उनको क्या ग्रोथ दे रहा है। अब वाइडली यूज मेजर ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस इज ईपीसी, कि वो अर्निंग पर शेयर क्या है, कैलकुलेटेड इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने आपको बोला जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहता है, एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। शेयर्स को जब हम डिवाइड करेंगे हमारे आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट, यानी कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमारी प्रायोरिटी रहती है, ये आप सबने अपने अकाउंट्स के चैप्टर में भी स्टडी कर लिया होगा या करना होगा आपकी अगर क्लासेस लगनी है तो, कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमारा इक्विटी से पहले प्रायोरिटी पे रहता है, क्योंकि उनका नाम ही प्रेफरेंस है। तो हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जब चैप्टर में देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा जो अवेलेबल है फॉर इक्विटी, कि जो हमारा इक्विटी के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा वो रहेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हाउएवर इट इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी नॉट वेल्थ जनरेशन, कि हमारा प्रॉफिट देखते हैं हमने कितना अर्न किया, नॉट वेल्थ जनरेशन, कि हमने कितनी वेल्थ बनाई है या हमने कितना ग्रोथ किया। इट इज देयरफॉर ओपन टू सेम क्रिटिसिज्म एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यही हमारा कहलाता है अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर की भी यही वीकनेस रहती है कि इससे भी हमें प्रॉफिट का पता चलता है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पूरा ये ओवरव्यू हमें नहीं देता। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन एंड सेटिस्फेक्शन का, कि क्या चीज है मैक्सिमाइज कर रही है, मैक्सिमाइजेशन किसे कहते हैं और सेटिस्फेक्शन कैसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पिज्जा की एग्जाम्पल देके चल रही हूँ। पिज्जा हमारे पास 3 साइजेस में आते हैं, स्मॉल पिज्जा, मीडियम पिज्जा एंड लार्ज पिज्जा। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन है कि भाई मैंने पिज्जा खाया। तो जिसको सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ हमने पिज्जा खा लिया, हम बाहर गए, हम डोमिनोज गए, हमने एक पिक्चर क्लिक कर ली, तो वो तो स्मॉल पिज्जा से भी काम चला लेगा, कि उसका पर्पस है सिर्फ सेटिस्फेक्शन करना। जैसे हम अगर आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स की एग्जांपल दूं आपको, हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे फेसबुक पे फोटोज डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका बेसिक पर्पस है, मोस्टली वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं सेटिस्फेक्शन वाली, कि हम डोमिनोज गए, हमने कहीं पे गए, हमने फूड लिया, चाहे वो स्मॉल लिया, मतलब हमारा उससे हो गया कि हाँ हमने फोटो भी क्लिक कर ली, हमने पिज्जा टेस्ट भी कर लिया, तो ये था मेरा सेटिस्फेक्शन का केस। मैक्सिमाइजेशन का क्या केस है? कि अपनी फुल लिमिट तक खाना, कि भाई मुझे पिज्जा खाना है बट मुझे फुल लिमिट तक खाना है, जब तक कि मेरी पूरी कैपेसिटी है मुझे तब तक खाना। जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ मतलब पेट भर गया, नियत नहीं भरी, ये है मैक्सिमाइजेशन का केस, कि पूरी लिमिट तक चले जाना।
कि फुल लिमिट में खाना या फुल लिमिट में कोई काम करना कि नॉट ऑन सेटिस्फेक्शन, उस लेवल तक करना। और डिस्टिंक्शन क्या है मैक्सिमाइजेशन एंड सेटिस्फेक्शन का, हम बुक से भी स्टडी कर लेते हैं। मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम लेवल ऑफ रिटर्न, कि हायर लेवल पे जाना इवन थो द माइट इन्वॉल्व एक्सपोजर टू रिस्क, कि रिस्क है, मच हायर वर्कलोड है, कि मतलब एक है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, मुझे बहुत है कि मैं आराम से 10 से 8 की जॉब कर रहा हूँ या 10 से 8 की बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर सैलरी मिल रही है, सैलरी मेरी अच्छी है, बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, तो यार मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ कि वर्कलोड नहीं है, रिस्क नहीं है, प्रॉपर स्मूथ चल रहा है सब कुछ, तो मेरा सेटिस्फेक्शन है। अगर मैक्सिमाइज करना है, जैसे जैसे हम हाई पेड पे मैक्सिमाइज, अरे और कमा लो, और पैसा ले लो, और पैसा ले लो, तो वो होगा कि वर्कलोड भी बढ़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा। रिस्क अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब की एग्जांपल दूं, बहुत ज़्यादा टाइम की जॉब करना तो हमारे हेल्थ पे फैक्टर पड़ेगा। सेम वे में बिजनेस में भी यही रहता कि रिस्क भी रहता है और हायर मैनेजमेंट वर्कलोड भी रहता है। तो ये है हमारा मैक्सिमाइजेशन, कि उस लेवल तक जाना कि जिसमें रिस्क भी हो, वर्कलोड भी हो, सब कुछ। और सेटिस्फेक्शन क्या है कि रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट ना करना, वर्कलोड भी ज़्यादा ना लेना, बस थोड़ी सी रिटर्न में, कि जितनी रिटर्न हो रही है जो हमारे लिए एडिक्वेट है उसमें हमें सेटिस्फैक्ट्री होना। विद इन अ कंपनी मैनेजमेंट माइट सीक टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू सम ग्रुप्स एंड द सेटिस्फेक्शन एंड रिक्वायरमेंट टू सम ग्रुप। मतलब अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी चाहती है कि इन्वेस्टर्स को तो पैसे मिलते ही रहे, मैक्सिमाइजेशन होती रहे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स का अर्निंग पर शेयर अच्छा चले, इन्वेस्टर्स का शेयर प्राइस बढ़े, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, तो वो जाएगा मैक्सिमाइज की कैटेगरी में। अगर मैं बात करूँ आपकी इम्प्लॉयज, कंपनी के एम्प्लॉयज, तो कंपनी के एम्प्लॉयज को तो हम उतनी सैलरी देंगे जितनी की हमारी मार्केट कंडीशन है, जितनी की हमारी अदर कंपनीज दे रही हैं। तो ये रहता है हमारा सैलरी एम्प्लॉयज का, ये हमारा रहेगा सेटिस्फैक्टरी फैक्टर में, सेटिस्फैक्शन वाली कैटेगरी में, कि उतनी सैलरी देना कि जितने से एम्प्लॉयज खुश रहें, काम करते रहें, जितने आवर्स वो काम कर रहे हैं, जो हमारे कंपटीशन वाले या मार्केट की जो कंडीशन है, वो जितनी सैलरी ले रही है। ये था हमारा आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और स्टडी किया हमारा ईपीएस का टॉपिक। अब आज फर्दर इससे ज़्यादा क्लास अगर बड़ी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगी, तो इसीलिए आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फर्दर हमने कैसे करना है, कि अर्निंग पर शेयर्स के आगे और डेफिनेशंस हमारी, कि हमने फाइनेंस को और क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे हमने फाइनेंस को मैनेज करना है। तो थैंक यू फॉर द क्लास गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।